वज्र योद्धा, जिसे धर्मवीर के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं वो पाषाण युग की एक चमत्कारी तलवार की आत्मा था और उस तलवार का नाम था तमस। शास्त्रों के मुताबिक अगर इस जन्म में धर्मवीर और उस तलवार का पुनर्मिलन हो जाए तो महाप्रलय के साथ इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब युहान, रूही और धर्मवीर, इन तीनों योद्धाओं का एक ही मकसद है, इसे रोकना। जरा इधर तो देखो, जादुई करतब के लिए कुछ तो दीजिए। चावल के पानी से बनी वाइन पीजिए, ये चखिए जरा, बहुत स्वादिष्ट है। पुराने लोग कहते हैं बहादुर योद्धा योहान और वीरा ने उस शैतान से 300 मुकाबले लड़े थे, लाल शहर में घुसकर शेर शाह से लड़े थे। अरे, अरे क्या बकवास कर रहा है, चलो यहाँ से। अरे मत जाओ, अरे रुक जाओ, सुनो तो। माँ मुझे मक्खन बन जाए। इधर आइए, इस कपड़े को देखिए, एकदम नया डिजाइन आया है मार्केट में। अरे वाह वाह वाह, क्या करता है, बहुत दिख रहा है ना, क्या अच्छा है। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, देखो देखो, हां क्या बात है। अरे मेरा नाम है तमस, मैं एक चमत्कारी तलवार हूं जो हजारों सालों से लड़ रही है। ये कैसे हो रहा है? अब लड़ते लड़ते मैं इतनी ताकतवर हो चुकी हूँ कि चांद और सूरज भी मुझसे डरते हैं, धरती और चांद मेरे नाम से कांपते हैं। अब देखो मैं कैसे शैतानों को आदेश देती हूँ कि धरती के सभी लोगों का खात्मा कर दे। मजेदार मजेदार, वाह। वाह, बहुत बढ़िया, रोमांचक, वो देखो, हाँ क्या बात है। अरे देखो, हाँ, अरे कितना अच्छा कर रहा है ना, हाँ। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे बाप रे बाप, अरे देखो खेल खत्म, बाप बाप, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, रोमांचक, वो देखो, हाँ क्या बात है, वाह, अरे देखो, अरे कितना अच्छा कर रहा है ना, हाँ। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे बाप रे बाप, खूबसूरत, अरे अरे मैंने ऐसा कभी नहीं देखा आज तक, अरे ये तो एकदम ही अजूबा है, बढ़िया, हाँ, अरे वाह, जितनी तारीफ करूं कम है, वाह क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्या हो रही है, तूने इस औरत को छेड़ा कैसे, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। मेरे पास शैतानों को काबू में करने की एक चीज है, इसको छूते ही शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। शुक्रिया। अरे हे पागल आदमी, तावीज वापस कर। मैं बस जादू के करतब दिखाता हूँ, तुम मुझे शैतान कैसे बोल सकते हो, और वैसे भी तुम्हारे ताबीज का मुझ पर तो असर हुआ नहीं। अच्छा, इससे बचकर दिखा। भागता का है, ये ले। ओहो,
ओहो, देखो उसे तलवार लग जाती होगी। अरे ये देखो, ये क्यों लड़ रहे हैं? अरे वाह, ये क्यों लड़ रहे हैं? कितनी बेकार तलवारबाजी है, कौन से बर्बाद स्कूल से सीखी तुमने? ज्यादा बकवास मत कर। शैतान, ये है तेरे लिए सल्फर पाउडर। मेरी आंखें, पानी लाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पानी लाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये शैतान नहीं, ये तो चुड़ैल है। जानते हो कितना दर्द हुआ? तुम तो मुझे जानते ही हो, तो मैं अपना परिचय नहीं दूंगी। मैं इतने महीनों से छुपकर नजर रख रहा था, इसके लिए एक अच्छा जाल भी बिछाया था, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। पकड़ लेता मैं उसे आज। अगर तुम शैतान नहीं हो तो जादू कैसे जानते हो? वो मेरी मशीनों का कमाल था बेवकूफ आदमी, मैं मशीनकार हूं, तुझे पता नहीं क्या? नहीं जानता था। बकवास बंद करो और खोलो, मुझे खोल। अरे यार, हवाई तलवारबाजी, तुम नीली पहाड़ी से हो ना? चुड़ैल बिल्ली, चाहे कुछ भी कर लो, हम दोनों को नहीं हरा सकती, तो हार मान लो। नहीं, हम तीन हैं। महारानी, आज तो नए दुश्मन मिले लड़ने को। मुझे लगता है हम इन्हें यहाँ नहीं हरा पाएंगे। अब तो भागते हैं। चलो चलो जल्दी, उनके पीछे चलो। क्या कर रहे हो तुम? मेरे पास मत आओ, मैं मार दूंगा तुम्हें। मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। रूही, बड़ा अच्छा नाम है। मेरा नाम धर्मवीर है। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे तो नहीं पता, मुझे जहां जगह मिली वहां भागता चला गया। जाओ उस तरफ जाकर ढूंढो। चलो यहीं कहीं छुप जाते हैं। ये कैसी जगह है? इतनी डरावनी, हमें यहां से चलना चाहिए। तुमने हमारी बिल्ली रानी को मारा, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते।
मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। ये क्या, तुम नीली पहाड़ी का अपमान कर रही हो? चुड़ैल बिल्ली, हिम्मत है तो मुझसे आके लड़। बकूफ, बिल्ली रानी को सलाम करो। अरे तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे जिंदगी, मैं आपको अपना सब कुछ भेंट करती हूँ। लड़की तुम तो समझदार निकली। धोखेबाज कहीं की? रुको, तुमने इन्हें धोखे से पकड़ा है, हम निहत्तों को नहीं मारते। ये बहादुरी का काम नहीं है, तुम वीर सैनिक नहीं कहलाओगी। मैं शैतानों को मारती हूँ, मुझे मेरा नाम वीर सैनिकों के साथ नहीं चाहिए। बिल्कुल झूठ, मेरी माँ कहती थी नीली पहाड़ी के लोग ईमानदार होते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बकवास बंद करो, मैं पीली पहाड़ी से हूँ। अब समझे, पीली पहाड़ी वालों ने नीली पहाड़ों वालों की तलवारबाजी चुराई थी। ढोंगी औरत, तुम बहादुर नहीं हो बल्कि ढोंगी हो। ढोंगी, बस बंद करो, नीली पहाड़ी वाले हमेशा जीत और हार की बात करते हैं, और हम पीली पहाड़ी वाले जिंदगी और मौत की, किसी ने कुछ नहीं चुराया। अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों तय है। रुको, वाह, गुफा के अंदर ये खुफिया तहखाना। वक्त बर्बाद मत करो, वो चुड़ैल बिल्ली हम पर हमला कर सकती है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी तलवार है। अरे बेवकूफ, यहाँ खतरा हो सकता है, कुछ भी मत छुओ। एक वीर योद्धा एक चालाक औरत की बातें नहीं सुनता। धर्मवीर पीछे हटो। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। सुना तुमने? अपने पीछे देखो। भाई हम तो नहीं सुनेंगे। वो भी तुम्हारी बात। वापस आ गई। होने वाला है, अचानक हमारी शक्ति कम क्यों हो रही है? मान जी, हम और नहीं रोक सकते। मदद करो महारानी, मदद करो हमारी। Oh, my God.
तमस तलवार वापस आ गई है। अब सैकड़ों शैतान धरती का विनाश कर देंगे। कौन है उधर? बहन, मैं हूं। शुक्र भाई। ये तमस है चमत्कारी तलवार। 18 साल पहले इसने धरती का विनाश किया था। सब कुछ तहस नहस हो गया था। आखिर में हम इकट्ठे हुए तमस को हराने के लिए और फिर इसे गुफा में छुपा दिया। ये तलवार अपनी ताकत का इस्तेमाल बुराई फैलाकर करती है। इस तलवार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ध्यान से गुरुमंत। जैसा मैंने सोचा था, सिर्फ शैतान इसे छू सकते हैं। आम इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो इसकी बुरी शक्तियों के कारण इसे छू नहीं सकते। ऐसा करने पर वो जल जाएंगे या फिर इसकी शक्ति उन्हें निकल जाएगी और उनका अंत हो जाएगा। धर्मवीर एक शैतान है। ये शैतान से भी ज्यादा बुरा है। ये तमस की आत्मा है। जब तमस हारी थी तो जादुई तलवार और उसकी आत्मा समय में खो गए थे। हमारे गुरुओं ने कहा था, जब सालों बाद इसकी आत्मा बड़ी होगी तो यह तमस में मिलकर धरती को नष्ट कर देगी। और आज एक दुर्घटना में धर्मवीर और तुम उस गुफा में पहुंच गए और सालों बाद तमस तलवार और उसकी आत्मा मिल गए। अब कुछ नहीं हो सकता। धर्मवीर अब बुराई का गुलाम होगा और धरती को नष्ट कर देगा। मां, मां। धर्मवीर, ये मेरा नाम है, तुम्हें याद है? हाँ, याद है। तुम और क्या करना चाहते हो? माँ, मुझे कहानियाँ सुनाओ। अगर अच्छे बच्चे बनोगे तो मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगी। तो सुनो, कैसे एक युद्धवीर ने, वो योद्धा जो बहुत बहादुर और जाबाज था, अच्छे काम करके शैतानों को अपने काबू में किया। ठीक है। हमने वादा किया था कि हमेशा यहीं रहोगे, तो फिर कहाँ भाग रहे हो? मैं शैतानों को अपने काबू में करना चाहता हूँ और एक वीर योद्धा बनना चाहता हूँ। तुम बहुत कमजोर हो, अगर बाहर जाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, समझ गए? मैं गुलाबी कबीले जा रही हूँ, तुम मेरे जाने पर भागने की कोशिश मत करना, समझे? समझ गया, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। चलो अंदर जाओ। धर्मवीर अब बुराई का गुलाम होगा और धरती को नष्ट कर देगा। किसने तमस को ढूंढा? अब तो मुझे जान लेनी ही पड़ेगी। अपना काम पूरा करो, तलवार और इन दोनों को पकड़ो। हाँ।
तो यह है बाहर की दुनिया। ये जादुई दुनिया से कितनी बड़ी है। आखिरकार मैं बाहर निकल आया। एक लड़की है? वो भी चलती फिरती इतनी खूबसूरत लड़की। रणवीर तुम क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। क्या यहाँ की सारी लड़कियाँ इतनी ही खूबसूरत हैं? तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है, हमारी पहली मुलाकात पर ही। मेरा नाम है धर्मवीर, मैं जादुई दुनिया की एक तस्वीर में रहता था, बस अभी बाहर आया हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? वैसे तुम जानती हो मैं बहादुर वीरों के नाम देख सकता हूँ। होश में तो हो? हाँ, बहुत देर से बकवास किए जा रहा था। बिल्ली रानी आप बोलिए। बुरी शक्ति बड़ी ताकतवर है। कपटी औरत, तूने मुझे धोखा दिया था, अब ये तलवार तुझ पर चलाऊंगी। ये जादुई दुनिया तो नहीं है ना? हैं? अरे वाह, एक लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की। मैं पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देख रहा हूँ। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। अरे अरे नहीं। हाँ तो ये तलवार तुझ पर चलाऊंगी मैं। आखिरकार मैं आजाद हो गया। फिर से भूल गया। अरे भाई लड़की, वो भी इतनी ज्यादा खूबसूरत। मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी है। तुम्हारी दिक्कत क्या है? मार दो उसे, ये बड़ी चुड़ैल है जिसकी वीर योद्धा को तलाश है। बिल्ली रानी अब हम क्या करें, इसके पास तो जादुई तलवार है। मारो उनको। गुरु, अब वो कैसा है? चोटें इतनी गहरी नहीं है, पर तमस इससे मिल गई है। बुरी शक्ति दिमाग पर हावी है, जिसने इसकी पुरानी और नई जिंदगी को मिला दिया। इसलिए हर बार जब ये उठता है, तब ये यही सोचता है कि ये वो ही दिन है जब ये जादुई दुनिया से भागा था। बेवकूफ आदमी, लगता है मुझे परेशान करने की सजा मिली है इसे। अगर पता होता कि ये वीरा का बच्चा है तो मैं। तुम कौन हो दोस्त? तुम्हें थोड़ी भी तमीज नहीं है? अंकल बुलाओ। इतने बुड्ढे तो नहीं लगते तुम, जवानी में अंकल बनोगे? 18 साल पहले तुम्हारी माँ और मैंने लाल शहर पर हमला किया था और गुलाबी कबीले की सुंदरता बढ़ाने वाली दवाई हासिल की थी। और तुम कौन हो? मैं 18 साल से तुम्हारी माँ को ढूंढ रहा हूँ, उसने कभी मेरे बारे में बताया नहीं। तो तुम मेरी माँ को जानते हो और तुमने लाल शहर पर हमला किया था। एक मिनट, तुम वही हो ना जिसने मेरी माँ का साथ दिया था समुद्री शहर को खोजने में, बहुत से मासूम शैतानों को बचाने में, और लाल शहर पर हमला बोलने में, अंदर के शैतान को हराने में, गुलाबी कबीले को काबू करने में। सबसे बड़े जाबाज योद्धा हो तुम तो युद्धवीर हो। बेवकूफ आदमी। अरे दोस्त कहाँ चल दिए? पूरी जिंदगी अच्छे काम करते रहे, आपका हमारी धरती पर बड़ा नाम है। वैसे तो आपको प्यार की कमी नहीं, आपके बहुत से साथी होंगे। आपकी कहानियां संसार में हर कोई जानता है। मैं रूही हूँ पीली पहाड़ी से और मैं आपको बहुत मानती हूँ। तुम लोग गलत समझ रहे हो, युद्धवीर का असली नाम कर्मवीर है और मेरा नाम योहान है। क्या कहा? मशीनों के गुरु योहान? गलती के लिए माफ करें। कोई बात नहीं, नाम से अच्छी तो अब ये शराब है। मुझे यकीन नहीं होता वीरा ने कभी मेरा नाम नहीं लिया।
पर ये सब छोड़ो, तुम दोनों ने तलवार को बाहर निकाला है तो अब तुम लोग क्या करोगे? ये आत्मा आम हथियार से खत्म नहीं होगी। पीली पहाड़ी पर अच्छी ताकतें जमा हो रही हैं। हमें धर्मवीर को तलवार के साथ धोखे से वहां लाकर महामंत्र पूरा करना होगा एक साथ, और तलवार की आत्मा को आजाद करना होगा ताकि ये फिर से जन्म ना ले सके। इस तलवार को खत्म करने का बस यही एक तरीका है, आखिरी बार पूरी तरह से। क्या कोई और रास्ता नहीं है? नहीं पता, आप मशीनों के बारे में खूब जानते हैं। मैं अकेली और कमजोर हूं, मैं चाहती हूं आप मेरी मदद करें। अगर मैं इसकी आत्मा को एक आजाद आत्मा बना दूं तो वीरा मुझसे नफरत करेगी हमेशा। सबसे पहले हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अरे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी माँ कहती है कि ऐसा करने वाली लड़की लड़कों को छेड़ती है। मुझे डर है कि कहीं शैतान तलवार ना चुरा ले, इसलिए इसकी रक्षा कर रही हूँ। ओह मैं जब 8 साल का हुआ मैंने अपनी माँ के पास सोना छोड़ दिया। तुम्हारी खुशबू बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। मैं कुछ सूंघ नहीं पा रहा। अपना मुंह उस तरफ करो। लड़का छेड़ने वाली, लड़का छेड़ने वाली, हटो यहाँ से, हटो, हा? मेरे पास मत आना। ध्यान से। तुम ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर बुरी शक्ति का कब्जा है जब से तुमने तमस को छुआ है। तुम हर सुबह इस तरह से नहीं उठ सकते, समझे तुम? एक काम करते हैं, ये मशीनी पेन है, इसकी इंक खत्म नहीं होती, तो जब भी समय मिले डायरी में लिखना जिससे तुम्हें सब याद रहे, समझ गए तुम? लेकिन मेरे दोस्त। दोस्त नहीं अंकल, अगर कई बरसों तक मेरा इलाज नहीं हुआ तो मुझे रोज इतने पन्ने पढ़ने पड़ेंगे कि मेरी डायरी नॉवेल बन जाएगी। बकवास मत करो, हमारे साथ पीली पहाड़ी पर चलो तलवार को नष्ट करने के लिए, तभी तुम्हारी बीमारी का इलाज हो पाएगा। ओ हा, इतने सारे लोग। ओ मेरे साथ आओ, आओ ना। इनका स्वाद तो बिल्कुल अलग है, अगली बार थोड़ा और मीट डालना। ए ए अरे अरे सुनो सुनो, तुमने पैसे नहीं दिए, पैसे देकर जाओ मेरे। सुनो अंदर आकर हमारे साथ खेलो, चलो खड़े क्यों हो, अंदर चलिए। हाँ ठीक है, पहली बार मुझे किसी ने अपने घर बुलाया है। धर्मवीर रुको, वापस चलो, वापस जरूर आना।
बड़ी बात है क्या तुम अकेले ही उन शैतानों को खत्म कर दोगे? बताओ बताओ खत्म करोगे? हाँ बिल्कुल हरा दूंगा। बेवकूफ बचपन में बिल्ली रानी, किसी ने उस बेवकूफ को शहर छोड़कर जाते हुए देखा है? महारानी महारानी अपने साम्राज्य के लिए, चलो जाकर उन्हें पकड़ते हैं। उधर वहां चलो, वहां वो उधर होंगे। हरी पहाड़ी बिल्ली रानी का इलाका है, हमें ध्यान रखना होगा। रास्ते में हम पर हमला हो सकता है तो मुसीबत के वक्त तुम इसे ले जाना, मैं उन्हें देख लूंगा। मेरी माँ ने कहा था, युद्धवीर ने बताया था, दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाओ। युद्धवीर की बातें करना बंद करोगे तुम? अठारह साल गुजर गए इस धरती पर, लेकिन आज भी ये दुनिया वैसी ही है। काफी खूबसूरत है ये। मेरी माँ ने सिखाई थी। जादुई दुनिया बहुत खूबसूरत है। तुम इतने साल तक यहाँ कैद रहे, तुम्हें कैसा लगता था? 18 साल कैद थे तुम। मैं अपने दोस्तों को बताता था, जब मेरे पास वक्त होता तो मैं युद्धवीर की कहानियां उनको सुनाया करता था। मेरी बात सुनो, चाहे मैं कितना बड़ा चढ़ाकर बोलूं, वो मेरा यकीन करते थे। दोस्त? हाँ, मैं उनसे मिलवाता हूँ। मैं जिस पर बैठा हूँ ये वायु है, जिस पर तुम बैठी हो वो वरुण है, और ये वाली लाखी है। ओ मेरे साथ आओ, आओ ना। वो जो पेड़ है ना, वो युद्धवीर है। समझ गया। मेरी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बस वो ये नहीं चाहती थी कि मैं यहां से बाहर जाऊं। अपनी पूरी जिंदगी में इसकी जरूर कोई वजह होगी। जब मैं छोटी थी तो मुझे पीली पहाड़ी पर छोड़ दिया गया था। मैंने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की, शैतानों और चुड़ैलों को मारने निकली, खुद हवा और पानी पर काबू पाया। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द और अकेलापन। पर तुम्हारे कबीले में तो बहुत से गुरु भाई होंगे। पीली पहाड़ी पर लोग अक्सर एक दूसरे से नहीं मिलते। मेरे गुरु ने कहा था, शैतानों को खत्म करना जिंदगी और मौत का रास्ता है। जब तुम अकेले होते हो तभी पूरे दिल से उन्हें मारने की भावना पैदा होती है। तभी मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा। मुस्कुराना? लोग मुस्कुराते क्यों हैं? लोग मुस्कुराते क्यों हैं? जब किसी चीज से लोगों को खुशी मिलती है, बहुत सारी रोशनी महसूस होती है, जैसे आसमान के सारे सितारे आप पर चमक रहे हों। ऐसे वक्त में लोग मुस्कुराना रोक नहीं पाते। क्या ऐसा है? मैं एक खतरनाक शैतान के पीछे पड़ी थी, 3 दिन और रातें बिताई, खुद की मौत का नाटक भी किया। तो जब उसे मारा तो मुझे बहुत खुशी हुई, पर फिर भी मैं मुस्कुराई नहीं। शायद तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझ रही। मुस्कुराने का क्या फायदा है? सुनहरा ड्रैगन वीरा को मेरा पहला तोहफा था। जब हम छोटे थे मैंने मशीनों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। मुझे समझ नहीं आता था कि वो तलवारों की आत्मा की इतनी चिंता क्यों करती है। अगर इस बच्चे को काली घाटी भेजेंगे तो इसकी जिंदगी और मौत इसके हाथ में नहीं होगी। योहान, ये बच्चा मासूम है, इसे बचा लो। मैं काली घाटी को खबर कर चुका हूँ, वो लोग आकर इसे यहाँ से ले जाएंगे। तुम? ये पूरी दुनिया का मामला है, तुम और मैं ये फैसला नहीं कर सकते। वीरा, वीरा, अरे क्या कर रही हो तुम?
वीरा, वीरा, और वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने अपने आप को खो दिया था उस दिन। फिर मशीनों में भी दिल नहीं लगा। तुम नशे में डूब चुके हो, तुमने महसूस करना बंद कर दिया है। ऐसी हालत में भी तुमने शैतानों को हराया है और उसके बावजूद अभी तक जिंदा हो। मैंने सारी जिंदगी मशीनों का काम किया है। ऐसा कोई ताला नहीं जो देखा ना हो। ताकत वाला ताला, बसंत ताला, जादुई ताला, पर दिल का ताला खोलना सबसे मुश्किल है। 18 सालों से वीरा को ढूंढ रहा हूं और देखो मिला क्या ये बेवकूफ। और वीरा कहीं नहीं मिली। वीरा गुलाबी पहाड़ी पर जा चुकी है। मुझे लगता है वो भी धर्मवीर के अंदर की आत्मा को हटाने का रास्ता ढूंढ रही है। गुलाबी पहाड़ी वाले कितने भी ताकतवर हों, वो इस बात को नहीं बदल सकते कि धर्मवीर तमस की आत्मा है। वीरा फूस के ढेर में एक सुई ढूंढने का काम कर रही है। वीरा ने धर्मवीर को पाला, उसका दिल सच्चा रखा, उसे हर एक बुराई से दूर रखा। पर जब हम पीली पहाड़ी पहुंचेंगे, हमें तलवार को नष्ट करने के लिए उसे मारना ही होगा। अगर वो हमेशा जादुई दुनिया में ही रहे तो। ये एक भूल थी कि वीरा ने उसे गोद लिया, और उससे भी बड़ी भूल है कि वो मुझसे टकरा गया। धर्मवीर, धर्मवीर रुको। पीली पहाड़ी पर जाकर मुझे मौत मिलेगी। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। तुम सब झूठे हो। अरे अरे अरे, लड़का छेड़ने वाली। तुम पढ़ो इसे। धर्मवीर पर बुरी शक्तियों का और कब्जा हो गया है, हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ तो मछलियां हैं, तुम लोग खाने में मछली खाओगे? हमें सफर के लिए जल्दी करनी चाहिए। उसे कुछ वक्त खुश रहने दो। पता नहीं वो अब तक यहाँ क्यों नहीं आए। इंतजार करो। मेरी माँ कहती थी युद्धवीर को भी मछली बहुत पसंद थी। तुम किसी और की बात क्यों नहीं करते हो? युद्धवीर बस एक नाम था कर्मवीर का। मुझे तुम्हें उसके पास ले जाना चाहिए, तब समझ में आएगा तुम्हें। मुझे मछलियां बहुत पसंद है, जादुई दुनिया वाली। रूही, तुम ये पहली बार कर रही हो? मेरे गुरु ने मुझे ये नहीं सिखाया, और वैसे भी ये सीखना मुझे शैतानों को मारने में मदद नहीं करेगा। शैतान मछली से लड़ी हो? हाँ लड़ी हूँ। अच्छा, पूरे तालाब में जहर घोल दिया था मैंने। है, लगता है मछली फंस गई है। रुको, ऐसे मत करो, मछली भाग जाएगी। हाँ
आज पहली बार मैंने किसी लड़की का हाथ छुआ। आज पहली बार मैंने किसी लड़की का हाथ छुआ। घुटना सीधा रखो, झुको मत, हाथ सीधा रखो, याद है? क्या तुम नाव तेज चला सकते हो दोस्त? दोस्त नहीं, अंकल। हाँ, लेकिन तुम इतने जवान हो, अगर मैं तुम्हें अंकल बोलूंगा तो मुझ में हुक्म चलाओगे। आज पहली बार किसी लड़की ने मेरा हाथ छुआ। उठ जाओ। अरे उठ जा, सुना नहीं? ठीक है। मेरे पास मत आना। अब कहाँ भागेगा? मेरे पास मत आना, एक कदम और आगे मत बढ़ना। चला, डर क्या होता है? मैं जब छोटा था तो खतरनाक शैतानों को पकड़ना चाहता था। अरे अरे मिलने रुको। फिर भूल गए तुम? कितनी बार सिखाना पड़ेगा मुझे? आज पहली बार किसी अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा। रुको, वापस आओ यहाँ पे। ए, रुको। हम अभी यहाँ पर हैं। किस्मत से हमारे पास जादुई दुनिया की तस्वीर है, यहाँ हम आराम कर सकते हैं। कल हम पहाड़ी पार करके हरे शहर जाएंगे, उसके दो दिन बाद हम पीली पहाड़ी पर जाएंगे। हिलो मत। बकवास। ज़्यादा आसान है। फिर समझ में आया, तुम तो तस्वीर में छुपे हो। तुमने मेरी माँ की तस्वीर खराब कर दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुम्हारे पूरे बिल का खात्मा कर दूंगी। आज तुम्हें मारकर मैं अपनी दुश्मनी खत्म कर दूंगी। खत्म कर दो, खत्म कर दो। हाँ।
सालों तक खोजा मैंने तुम्हें और अब मिली हो तुम मुझे। योहान, हम इतने दिनों तक एक दूसरे से दूर थे। मुझे इतने सालों तक बहुत बुरा लगा। मुझे तुम्हारे साथ धर्मवीर की रक्षा करनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास एक और मौका है तो तुम तमस को छीनकर धर्मवीर को छोड़ दोगे जैसे मैंने छोड़ा था, और फिर मेरे साथ रहोगे हमेशा। तुम वीरा नहीं हो। वो बहुत ही बहादुर थी, उसने धर्मवीर की रक्षा की कसम खाई थी। तुम वो नहीं हो, और वैसे भी वो इतनी नाजुक नहीं थी। गुरु, दोस्त, तुम ठीक हो? ओ बल्ले 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 बल्ले, वो आखिरकार तुम शैतान को पकड़ ही लाए। सारे योद्धा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सत श्री अकाल। अब जरूर मेरा नाम बहादुर योद्धाओं में गिना जाएगा। शैतान हमला कर रहे हैं। बेवकूफ, वो सिर्फ आतिशबाजियां हैं। आतिशबाजी? उनसे निकलती रोशनी तो डरावनी है, और साथ ही इतना धुआं भी है। मुझे लगा कोई संकेत होगा, जैसा मेरी माँ ने मुझे बताया था। खुशी मनाने के लिए कोई और तरीका नहीं है। बातें बंद करो और शांति से खड़े रहकर देखो। मुस्कुरा रही हो? मुझे मत देखो। मुझे याद आया कि शहर के अधिकारी ने कहा था कि वो भोजनालय में हमारा स्वागत करेगा। तुम जैसे जवानों को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, और मुझे अब थोड़ी शराब और खाने की जरूरत है। रात के इस खूबसूरत वक्त में आसमान में बस आतिशबाजियां होंगी। मुझे नहीं पता था ये शहर इतना खूबसूरत होगा। रूही, आज पहली बार तुम मुस्कुराई, बहुत अच्छी लग रही थी। क्या तुम आगे भी ऐसे ही मुस्कुराती रहोगी? तुम्हारी ऐसी बेवकूफियां सुनकर मेरी मुस्कुराहट भाग गई। पर असल में मुस्कुराना जैसे बहुत सारी रोशनी महसूस होती है और तुम मुस्कुराना रोक नहीं पाते। बताओ धर्मवीर, सही कहा ना मैंने? तुमसे ये सब किसने कहा? बकवास एकदम। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हम खुश होते हैं। मैं जिंदगी भर शैतानों को मारती रही। मेरे हाथों से इतने कत्ल हुए हैं कि मैं खुशी से बहुत आगे निकल चुकी हूं। फिर अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या इससे तुम खुश होगी? मेरा मतलब, हम इतने दिनों से साथ हैं,
हमने साथ इतना अच्छा वक्त बिताया है, शैतानों को हराया है। हमारा नाम वीर योद्धाओं में शुमार होता है। मेरा बचपन का सपना सच हुआ, पर मुझे अब भी लगता है कि मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूं। ये दुनिया इतनी बड़ी है, मैं हमेशा से इससे अनजान रहा। वो एक चीज जिससे मुझे खुशी मिली है, वो है तुमसे मिलना। मैंने पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। ये 21वीं बार है। कुछ नहीं रूही, बस 2 दिन बाद ही हम तमस को पीली पहाड़ी के हवाले कर देंगे। फिर तुम मेरे साथ जादुई दुनिया चलना और फिर मेरे साथ ही रहना। मैं बस ऐसे ही तुम्हारा हाथ पकड़े रहना चाहता हूं अगले 18 सालों तक, बल्कि अगले 100 सालों तक। मैं ऐसा करना चाहता हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी की ये चाहत मुझसे खराब हो जाए तो क्या तुम्हें मुझसे नफरत होगी? मेरे मालिक छोड़ दीजिए। कर चुका हो जैसे बोला है वैसे करो। तुमको जो कर चुकाना है उसको चुकाओ ब्याज के साथ। मदद करो, मेरी मदद करो। चिल्लाते हो, यहाँ चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। मैंने बताया था तुमको, हमने चुड़ैल बिल्ली को पकड़ लिया, अब यहाँ तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मेरे मालिक, अधिकारी साहब ने हमारा कर्ज माफ किया था, हमारे पास सच में पैसा नहीं है। हमसे जबान लड़ाता है। रुक, अभी तुझे तेरा औकात दिखाता हूँ अपना इस तलवार से। हमें चुड़ैल बिल्ली के बारे में बताओ। अंकल उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। क्या हुआ? चुड़ैल बिल्ली बुरी नहीं, अच्छी शैतान है। कहाँ जा रहे हम? उसे आजाद करने। दुष्ट शैतान बिल्ली, तूने इतने सालों तक मेरा नुकसान किया, तुझे तो जितनी सजा दूं उतनी कम है। हरा शहर और हरी पहाड़ी मेरे इलाके हैं। यहाँ के सभी शैतान और इंसान मेरी सुरक्षा के नीचे हैं। खसमानु खानी, घबराओ नहीं। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। कोई मुझे भी बचाओ ना। भागो मत, भागना बंद करो। रुको, रुक जा। अरे मेरे लिए रुको। रुक जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग? मेरी जान तो बख्श दो। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कभी कोई परेशानी हो तो बताना। तुम अच्छी शैतान हो, फिर तुमने तमस को चुराने की कोशिश क्यों की? हर कोई चाहता है कि उसके पास कोई बड़ी ताकत हो। ये अधिकारी ही लो हर साल नए योद्धाओं के नाम निकालते थे और फिर वो योद्धा मुझसे लड़ने आते थे। मैं अपने बचाव के लिए तमस चुरा रही थी ताकि अपने लोगों की मैं रक्षा कर सकूं। बड़ा ही अजीब बहाना है। शैतान अपने ढंग से सोचते हैं, इंसान और शैतान में फर्क है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अलविदा। माफ करना, मैंने तुम्हारी तस्वीर खराब कर दी, पर मैं उसका बदला तुम्हें चुका दूंगी। मैं बहुत बड़ा मशीनकार हूँ, इसलिए बता दूं कि जादुई दुनिया 3 महीने में ठीक हो जाएगी। रुको,
पीली पहाड़ी के लोग हमेशा शैतानों को मारने में यकीन रखते हैं। अगर मैं खुद ये नहीं देखती तो कभी भरोसा नहीं करती कि शैतान अच्छे भी होते हैं। तुम्हारा अपमान करने के लिए माफी मांगती हूं, मुझे माफ कर दो। काफी देर हो गई है, हमें कहीं रुकना होगा। छोड़ा है इस संसार के शैतान और इंसान साथ में रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रूही मारना मत। तुम पूरी रात सोई नहीं? का इशारा समझ गई। बढ़िया, क्या हमें धर्मवीर को मारना ही पड़ेगा? यही एक रास्ता है। तुम कमजोर मत पड़ो, हमें पहले इस दुनिया के लोगों के बारे में सोचना होगा। ए बेवकूफ, दो दिनों से सोए नहीं हो तुम? मुझे डर है कि मैं सब भूल जाऊंगा सोने के बाद। हमें कल पीली पहाड़ी पर जाना है। अच्छा होगा आज आराम कर लो। धर्मवीर, आकर आराम कर लो। कल सुबह जब मैं उठूंगा हम फिर अजनबी होंगे। ऐसा नहीं होगा, मुझे फिर से तुम्हारी मुस्कान देखनी है। अगर आज तुम इसे कहीं ले जाओ तो मैं रुकूंगा नहीं, पर अगर तलवार की आत्मा इसके अंदर जाग गई और दुनिया को खतरा हुआ तो मैं खुद इसे मार दूंगा। गुरु, धर्मवीर की जिंदगी लेना
बाकियों की जिंदगी के लिए जरूरी है। हमें ये करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं काफी दूर तक निकल आई हूं इसके साथ, और अब चाहती हूं कि काश ये सफर कभी खत्म ना हो, ऐसे ही चलते रहे साथ में, बस ऐसे ही। इसके साथ कुछ और दिन बिताना चाहती हूं, कुछ और पल बिताना चाहती हूं, कुछ यादें बनाना चाहती हूं, और इसके बदले में मैं अपनी जिंदगी देने को भी तैयार हूं। गुरु, मुझे धर्मवीर से प्यार है, अब वो तुम्हें सुन नहीं सकता। जितना रोना है रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। लड़के छेड़ने वाली, लड़के छेड़ने वाली लड़की, तुम कौन हो? धर्मवीर, मुझे माफ करना, को छेड़ता है वो भी सबके सामने। तुमने वादा किया था कि हमेशा यहीं रहोगे, तो फिर कहाँ भाग रही हो? ये बहादुरी का काम नहीं है, तुम वीर सैनिक नहीं कहलाओगी। मैं शैतानों को मारती हूँ, मुझे मेरा नाम वीर सैनिकों के साथ नहीं चाहिए। ये एक भूल थी कि वीरा ने उसे गोद लिया, और उससे बड़ी भूल थी कि वो मुझसे टकरा गया। रुको जरा, तुम्हारा कबीला धर्मवीर की शक्ति को अपने अंदर ले रहा है, यह महामंत्र का नियम नहीं है, ये तो शैतानी मंत्र है, हमें धोखा मिला है। महंत, आपने धर्मवीर का इस्तेमाल किया। मेरे मामलों में मत पड़ो। धर्मवीर की रक्षा करना मेरे हाथ में है। कल
तलवार को खत्म करने के लिए हमारे साथ पीली पहाड़ी पर चलो, वहीं पर तुम्हारी बीमारी का इलाज होगा। तुम सभी ने मुझसे झूठ कहा, पीली पहाड़ी पर मेरी मौत होगी। तुम सब झूठे हो। मुझे मारना चाहती हो? तुम मुझे मारना चाहती हो? मुझे बुरे लोगों ने बहकाया, मेरी आधी शक्ति छीन ली, चमत्कारी तलवार गायब है, इसलिए मुझे यहां छिपना पड़ा। जब तक मेरी शक्ति वापस ना आ जाए, किसी को मेरा ठिकाना मत बताना। महाराज, 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 चमत्कारी तलवार की खबर मिली है। वो उसके रूह के पास। तमस तलवार की आत्मा जाग गई है। ये पीली पहाड़ी के लिए खतरे की बात है। हम बस मरते मरते बचे हैं। मैं अब सब कबीलों को बुलाता हूँ। हमें मिलकर शैतान को खत्म करना है। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे उनसे। हमारा कबीला शर्मिंदा है कि ये चुड़ैल हमारे कबीले की है। 3 दिन बाद हम इसका सर काटकर जन्नत को भेंट करेंगे। हम इस चुड़ैल का इस्तेमाल करेंगे तमस को पकड़ने के लिए। बहुत बड़ी लड़ाई होगी। बेवकूफ, हे, तुम जाकर रूही को बचा क्यों नहीं रहे? मुझे कोई मतलब नहीं। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया तुमने? तुम तो योद्धा बनना चाहते थे, हर दिन बेवकूफियां करते थे, न जाने तुम्हें क्या हो गया है अब। इन बातों का अब कोई मतलब नहीं। मैं अब भी धर्मवीर हूं। मुझे सब कुछ याद है, पुरानी और नई दोनों जिंदगी का। तुम सब इंसान झूठे हो। वीरा की वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी जादुई दुनिया में कैद था। शहर के अधिकारी की वजह से
बिल्ली रानी पर इतने जुल्म हुए थे, तुम्हारी और रूही की वजह से मैं पीली पहाड़ी पर मरने वाला था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर वीरा के बारे में सोचो, उसने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया। तुम्हारे अंदर की बुराई को खत्म करने के लिए वो पीली पहाड़ी पर गई, उसे यकीन था कि तुम्हारी जिंदगी भी एक खुशहाल जिंदगी हो सकती है। मैं इंसान नहीं हूं, नहीं हूं मैं इंसान, मैं तमस हूं जो शैतानों के बल पर दुनिया का विनाश करेगा, और तुम खुशहाल जिंदगी की बकवास करते हो। वाहियात, जिस एक चीज से मुझे खुशी मिलती है वह है तुमसे मिलना। मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या यह तुम्हें खुश करेगा? वक्त आ गया है, बलि दो। जो भी इस लड़ाई को अपनी आधी शक्ति से लड़ेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। गुरु योहान, आज मुझे आपसे सीखने को मिलेगा तलवारों के बारे में। बकवास मत करो। बिल्ली रानी, बेवकूफ,
ओए बेवकूफ, इतनी देर से क्यों आए तुम? मैं आ गया हूं अब। तो तू आ ही गया। मैं आज एक महान काम करूंगा, तुझे और तेरी प्रेमिका को मौत के घाट उतार कर। तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है मेरी बाकी शक्ति पाने के लिए। तुझे मुझसे सीधे सीधे लड़ना होगा। चमत्कारी तलवार, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम गधे हो। धर्मवीर, इसके पास तुम्हारी आधी ताकत है, तो संभाल के। तुम बस एक कमजोर इंसान हो, मैं तलवार की आत्मा हूं। इसलिए तुमने मेरी ताकत छीनी। मेरी मां कहती कि यह धोखा है। तूने पिछले जन्म में ताकत तो पाली, पर तू बेवकूफ है। तू इस तलवार का हकदार नहीं है। तस्वीर वाली दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। मुझे वापस वहां जाना है। रूही, उठो, तुम मर नहीं सकती। रूही उठो।
ये तू क्या कर रहा है? तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया कि कोई भी चीज़ एक हद तक तुम्हारे काम आ सकती है? तुझे मेरी ताकत चाहिए तो ले ले सारी। रुको रुको। पीली पहाड़ी के रास्ते पर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताया। काश हम ऐसे ही चलते रहते बिना किसी मंजिल के। तुम्हारी माँ और गुरु योहान एक हो गए। कुछ सालों बाद उनका एक खूबसूरत सा लड़का हुआ। उसका नाम उन्होंने राजवीर रखा। बिल्ली रानी को भी इस दुनिया में प्यार मिल गया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। साल गुजरते गए, मेरे पास बहुत वक्त था, तो मैंने हर पहाड़ को नाप डाला, हर शहर गई, अनगिनत जगह घूमी अपने दर्द को कम करने के लिए। वक्त सब कुछ सुधार सकता है। अभी कुछ ही साल हुए हैं पर दुनिया बहुत बदल चुकी है। तलवार की आत्मा धर्मवीर पर कहानियां बन गई हैं, कई गीत बन गए हैं, पर कोई ये नहीं जानना चाहता कि क्या वो कहानियां सच हैं। तलवार की आत्मा आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है। बस कुछ लोग जो उस दिन वहां मौजूद थे, बस वही लोग जानते हैं कि तुम कितने अच्छे इंसान थे। वन
往事如眼前笑而然岁月犹如风沙万瞬一趟的路并没有那么平坦历经风霜有朝的人因为有过疯狂长大换来的优雅比将来多恐怖 Muskurana लोग मुस्कुराते क्यों हैं? जब कोई चीज हमें बहुत खुश करती है तो लगता है कि तुम पर बहुत सारी रोशनी आ गई है और तुम मुस्कुराना रोक नहीं पाते हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हम दिल से खुश होते हैं岁月在地如烟最初的相逢日子跌跌撞撞每一项奔跑中的路人随即消耗尽了青春如烟花短暂灿烂岁月无声过往人一辈子总有些无常心的满足一途人心悠然岁月道上人一模一样太阳已不成长梦未开句就即是云散岁月和地如烟最初的相逢日子跌跌撞撞每一项中的路人随即消耗尽了青春如烟花短暂灿烂岁月无声过往人一辈子总有些无常走一步算一步蓝天人心的满足迷途人心悠然岁月它无声人一模一样太阳已不成长梦未开去就即是云散